हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी बेबी फर्स्ट फूड की बहुत सारी रेसिपीज़ जिसको आप 6 मंथ के बाद ट्राई कर सकते हैं। मगर वीडियो शुरू करने के पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाना ना भूलें। सबसे पहले हम बनाएंगे बनाना प्यूरी। सॉलिड फूड स्टार्ट करने के लिए बनाना सबसे बेस्ट होता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने खुद बनाना से ही स्टार्ट किया था अपने बेबी को सॉलिड फूड खिलाना। और जो बनाना होता है, इसकी सबसे अच्छी खास बात ये होती है कि ये मीठा होता है, तो जो बच्चा होता है इसको बहुत अच्छे से खा लेता है, इसके रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये बनाना लिया है और इसको मैं फोक से इस तरीके से मैश कर रही हूँ, और इसको बहुत ही अच्छे से हमें मैश कर लेना है। और बाकी मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप फर्स्ट डे हाफ़ बनाना से स्टार्ट करें, और उसके बाद जब बच्चे को आदत हो जाए, उसको अच्छा लगे, तो आप एक पूरा बनाना खिलाना भी शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिनिमम 2 डेज़ का रूल फॉलो करना है। आपको कोई भी नई चीज़ जब इंट्रोड्यूस करेंगे आप, तो कम से कम 2 दिन तक आपको उसको खिलाना है और देखना है कि बच्चे की बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, सूट कर रहा है उसको या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने बनाना को बहुत ही अच्छे से मैश कर लिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है, ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है, कोई भी बड़े इसमें पीसेस नहीं है। और बिल्कुल थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आपको इसको खिलाना है, और आप चाहें तो आप इसमें ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क भी मिला सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बनाएंगे ये एप्पल प्यूरी। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये राइस कुकर लिया है, और इसमें मैं ये स्टैंड लगा रही हूँ। आप राइस कुकर की जगह एक पैन भी ले सकते हैं और इसको गैस के ऊपर भी बना सकते हैं। अब मैंने राइस कुकर में डाला है ये थोड़ा सा पानी, और साथ में लिया है मैंने ये एप्पल। इसका छिलका मैंने उतार दिया है और इसको मीडियम साइज़ के पीसेस में काट लिया है। अब सबसे पहले हमें पानी को गर्म करना है ताकि इसमें स्टीम आने लगे, और जब पानी गर्म हो जाएगा इसमें, तो अब मैं इसमें रख रही हूँ ये एप्पल वाला बोल, और अब हमें इसको स्टीम करना है। आप स्टीमर का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप नॉर्मल पैन में बना सकते हैं, आप इसको कुकर में भी बना सकते हैं। कुकर वाला मेथड अगर आपको देखना है तो उसका वीडियो इस वीडियो के एंड में मैं डाल दूँगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। और 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और ये जो एप्पल है ये अच्छे से कुक हो गया है, और यहाँ पर मैंने राइस कुकर को बंद कर दिया है, और अब मैं इसको ढक्कन लगाकर थोड़ी देर स्टीम में और रखूँगी ताकि ये और अच्छे से पक जाए और ये थोड़ा ठंडा हो जाए। अब यहाँ पर ये एप्पल थोड़ा सा ठंडा हो गया है, और मैं इसको इस तरीके से मैश कर रही हूँ। आप डायरेक्टली इसी तरीके से इसको फोक से मैश करके भी खिला सकते हैं, और आप चाहें तो आप इसको ब्लेंडर में डाल के भी ब्लेंड कर सकते हैं। बिना पानी डाले ही आपको ब्लेंड करना है, पानी की ज़रूरत नहीं है। और ब्लेंड करने के बाद आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है, ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है, और ये जो प्यूरी है ये बिल्कुल रेडी है। आप इसको लूकवर्म भी खिला सकते हैं, आप इसको थोड़ा ठंडा करके भी खिला सकते हैं, जैसा आपके बेबी को पसंद आए आप उस तरीके से उसको फीड कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बनाएंगे ये साबूदाना। ये बेसिक साबूदाना की रेसिपी है, और इसको हम बनाएंगे पानी में। इसके लिए सबसे पहले हमें साबूदाना लेना है, तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 टीस्पून साबूदाना लिया है, और इसको हमें अच्छे से वॉश करना है। इसको कम से कम 5 से 6 बार आपको वॉश करना है। आपको इसको इतना वॉश करना है जितना ये जो पानी है आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। और यहाँ पर ये जो साबूदाना है ये वॉश हो गया है, और इसको अब मैं सोक करके रखूँगी कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए। जनरली मैं ओवरनाइट करती हूँ ताकि सुबह मुझे जो भी बनाना है मैं इजली इसको बना सकूँ। और यहाँ पर 2 से 3 घंटे में ये साबूदाना बिल्कुल रेडी हो गया है। तो मैंने राइस कुकर में पानी गरम किया था, तो अब मैं गरम पानी में डाल रही हूँ ये साबूदाना। ज़रूरी नहीं है कि आपको राइस कुकर ही लेना है, आप नॉर्मल पैन में भी इसको बना सकते हैं। अब हमें इसे ढक्कन लगाकर 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है। 10 से 12 मिनट में ये जो साबूदाना है आप देख सकते हैं ये काफ़ी कुक हो चुका है। साबूदाना को आपको इतना पकाना है कि ये वाइट से इस तरीके से ट्रांसपेरेंट दिखने लगे और ये थोड़ा सा थिक हो जाए। और आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ये थोड़ा और थिक होगा। अब यहाँ पर ये साबूदाना रेडी है, तो मैंने इसको एक बोल में निकाल लिया है। और अगर आपका बेबी 1 साल से ऊपर का है तो आप इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं। साबूदाना बहुत न्यूट्रिशियस होता है, इससे बच्चे को वेट गेन करने में भी हेल्प मिलती है, और इसको आपको अपने बच्चे की डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट अब हम बनाएंगे ये बेसिक मूंग दाल, और इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 1 टेबलस्पून मूंग दाल ली है, और इसको अच्छे से आपको वॉश करना है और कम से कम 1 घंटे के लिए इसको सोक करना है। सोक करना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे को डाइजेस्ट करने में आसानी रहे। मैं जनरली इसको ओवरनाइट सोक कर लेती हूँ, और फिर नेक्स्ट डे इससे खिचड़ी या दाल जो भी बनाना होता है वो मैं बना लेती हूँ। अब कुकर में मैंने डाला है ये 2 चम्मच दाल, और इसके साथ मैंने डाला है इसमें ये 1 कप पानी। 2 चम्मच दाल बच्चे के लिए काफ़ी रहेगी, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। और साथ में मैं डाल रही हूँ इसमें हल्दी और हींग।
दाल में थोड़ी सी हींग डालने से दाल का टेस्ट भी बढ़ जाता है और बेबी को इसको डाइजेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब यहाँ पर मैंने दाल को 3 से 4 सीटी आने तक पका लिया है। 3 से 4 सीटी इसलिए क्योंकि दाल में नमक नहीं है तो हो सकता है दाल को पकने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगे। अब यहाँ पर कुकर ठंडा हो चुका है, इसकी स्टीम निकल चुकी है और तभी मैंने इसको खोला है और आप देख सकते हैं कि ये जो दाल है ये बहुत अच्छे से पक चुकी है, ये बहुत अच्छे से गल गई है। और बिलीव मी, आपको दाल का पानी पिलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप बच्चे को इस तरीके से दाल बना के, एक पतली दाल बना के खिलाएं, क्योंकि पानी में न्यूट्रिशन तो होता है, उसमें टेक्सचर नहीं होता है, तो वो जनरली बच्चे को पसंद नहीं आता है और बच्चा फिर खाना नहीं चाहता है। तो आप इस तरीके से दाल बनाएं, आई एम श्योर उसको ज़रूर पसंद आएगा। नेक्स्ट अब हम बनाएंगे ये बेसिक राइस, और इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच राइस लिया है। मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था और इसको सोक कर लिया है। और अब मैंने यहाँ पर लिया है ये राइस कुकर। आप नॉर्मल पैन भी ले सकते हैं, आप प्रेशर कुकर भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अब पानी यहाँ पर गर्म हो चुका है तो मैं इसमें डाल रही हूँ ये राइस, और अब हमें इसे कुक करना है। इसे कम से कम 15 मिनट तक आपको कुक करना है, और अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 2 से 3 सीटी आने तक आपको इसको पकाना है। राइस को आपको बहुत ही अच्छे से कुक करना है, इसको ओवर कुक करना है कि यह आराम से मैश हो जाए। और यहाँ पर ये चावल बिल्कुल रेडी हैं, मैं आपको प्रेस करके दिखाती हूँ, ये ईज़िली मैश हो रहा है। और अगर आपको बाई चांस पानी ज़्यादा लगता है तो आप इसको सुखा सकते हैं। और इस स्टेज पर आप चाहें तो आप इसको चम्मच से मैश कर सकते हैं या इस तरीके से छन्नी के थ्रू निकाल सकते हैं। ये स्टेप करने से क्या होगा कि इसका जो टेक्स्चर है ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। और यहाँ पर मैं चावल को प्रेस करके इस तरीके से निकाल रही हूँ। ब्लेंड करने के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि उससे इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। शुरू में आप इसको प्लेन खिला सकते हैं, बाद में आप इसमें थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं। 1 साल से ऊपर के बच्चे के लिए आप इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं। चावल के पानी की जगह ये वाला चावल खिलाना ज़्यादा बेहतर होता है। नेक्स्ट अब हम बनाएंगे ये सिंपल प्लेन सादी खिचड़ी। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 1/2 कप राइस लिया है। 1/2 कप क्यों लिया है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। और साथ में लिया है मैंने इसमें 1/4 कप मूँग दाल। चावल और दाल का रेशियो आपको इस तरीके से लेना है कि जितनी आपने दाल ली है उसका डबल आपको राइस लेना है। और अब हमें इसे अच्छे से वॉश करना है। इसे कम से कम 5 से 6 बार वॉश करना है आपको, जब तक ये जो पानी है ये बिल्कुल क्लियर ना दिखने लगे। राइस मैंने सोना मसूरी लिया है क्योंकि वो बच्चे के लिए बहुत ही लाइट होता है और बहुत ही ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और अब इसको कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए या रात भर भिगोकर रखना है। मैं जनरली ओवरनाइट रखती हूँ और फिर नेक्स्ट डे बनाती हूँ। और यहाँ पर कुकर में डाला है मैंने ये 2 चम्मच दाल और राइस। इतनी क्वांटिटी बच्चे के लिए काफ़ी रहेगी, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। और ये जो चम्मच है ये नॉर्मल खाने वाला चम्मच है जो हम लोग यूज़ करते हैं। और इसमें डाला है मैंने ये 1 कप पानी। और आप ट्राई करें कि आप बच्चे के लिए जो भी खाना बनाएं और उसमें हल्दी डालें तो ऑर्गेनिक डालें, अच्छी क्वालिटी की डालें। आप चाहें तो इस तरीके से ड्राई हल्दी को लेकर उसका पाउडर बना करके भी यूज़ कर सकते हैं। और अब ये खिचड़ी पकने के लिए बिल्कुल रेडी है तो मैं इसको 3 से 4 सीटी आने तक पकाऊंगी। 3 से 4 सीटी इसलिए क्योंकि इसमें नमक नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो हो सकता है इसको पकने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगे। और यहाँ पर आपके लिए छोटी सी टिप है कि आप दाल और चावल को एक साथ या अलग अलग भिगोकर डिब्बे में डालकर फ्रिज में 1 हफ्ते तक के लिए रख सकते हैं। इससे टाइम बहुत बचता है और आपको जो भी बनाना है, दाल चावल या खिचड़ी, वो 10 मिनट में रेडी हो जाता है। अब यहाँ पर ये कुकर ठंडा हो चुका है और ये जो खिचड़ी है यह बिल्कुल रेडी है। और ये जो राइस हैं ये बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं, ये बहुत ही अच्छे से मैश हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। और खिचड़ी को आपको पतला ही रखना है और बच्चे को ये लूकवर्म खिलाना है, यानी कि गुनगुना खिलाना है, क्योंकि ठंडा खाना बच्चे को ज़्यादा पसंद नहीं आता है। इस वीडियो से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप अमेज़ॉन पर जाकर चेक कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।